नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने के लिए आज पायल घोष ने वक्त निकाला, उन्हें वक्त मिलाया और वो निकल चुकी हैं। पायल घोष महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने के लिए दोपहर 12:45 पर गवर्नर से उनके मिलने का वक्त है। पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ जिस तरह से रेप का केस दर्ज कराया है, लेकिन 8 दिनों के बाद भी अभी तक अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब हर तरह से कोशिश कर रही है पायल घोष अपनी आवाज और बढ़ाने के लिए। अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और अब आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने के लिए पायल घोष जा रही है अब से कुछ देर के बाद में। दरअसल 12:45 यानी 1:15 का वक्त है, मिलने का अब से कुछ देर के बाद में निकल चुकी है पायल घोष। दोपहर 12:45 का वक्त है। आपको बता दें, इतना ही नहीं बल्कि पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, अनशन करूंगी। 22 सितंबर को जिस तरह से FIR दर्ज कराई, 22 सितंबर से लेकर अभी तक सिर्फ पायल ही थाने के चक्कर काट रही हैं। पायल को ही बार बार पुलिस बुलाती है, कभी मेडिकल चेकअप के नाम पर, मेडिकल टेस्ट के नाम पर उन्हें 7-7 घंटे तक बैठाया जाता है, घंटों उन्हें बैठाया जाता है। लेकिन जिस शख्स पर आरोप लगाया उसे अभी तक बुलाया तक नहीं गया, उससे किसी तरह की पूछताछ तक नहीं हुई। पायल घोष लगातार आरोप लगा रही है और अब राज्यपाल से मिलने के लिए पायल घोष पहुंच रही हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने FIR दर्ज कराई, 22 सितंबर से लेकर अभी तक इतना वक्त हो गया, 7 दिन बीत चुके हैं, 8वां दिन है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की। पायल ने भूख हड़ताल पर जाने तक की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस पर दबाव है, अनुराग कश्यप को बचाया जा रहा है, मुंबई पुलिस लगातार बचाव कर रही है। सवाल यही कि आखिर अभी तक अनुराग कश्यप से पूछताछ क्यों नहीं की गई, कोई सवाल क्यों नहीं किया गया। लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस कभी तो बड़ी तत्परता दिखाती है, कभी इतना ढीला रवैया रहता है। आपको याद होगा कंगना रनौत वाला मामला, उसमें तो कंगना रनौत को वक्त तक नहीं दिया और अब अनुराग कश्यप को बचाया जा रहा है, यही बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ में जुड़े। राकेश, आज राज्यपाल से मिलने वाली है पायल घोष। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल से मिलने वाली हैं पायल घोष नैना, और लगातार पायल घोष ने अपनी एक मुहिम छेड़ दी है अपने वकील के साथ। हमसे उनकी लगातार बातचीत तो होती रही है, वर्सोवा पुलिस स्टेशन हम उनके साथ गए थे लगातार, उनके साथ जिस दिन 2 दिन पहले जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि दरअसल अनुराग कश्यप के पीछे एक लॉबी है, अनुराग कश्यप एक निश्चित लॉबी का हिस्सा है और वो लॉबी लगातार सरकार और सत्ता में जो प्रभावशाली लोग हैं उनके संपर्क में रहती है, इसीलिए अनुराग कश्यप को बचाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए पायल घोष लगातार किस तरीके से और इसे जोर दिया जा सके। वर्सोवा पुलिस स्टेशन एक बार फिर से गई, ऋचा चड्ढा के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी आपको याद होगा, और आज राज्यपाल से मिलने जा रही हैं, अपने घर से निकल चुकी हैं, राज्यपाल से मिलने जा रही हैं और राज्यपाल से मिलकर अपनी बातों को उनके सामने रखेंगी। और उनकी एक बात तो तार्किक है, अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती है, 7 से 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 दिन के बाद पुलिस इतनी जहमत नहीं उठाती है कि अनुराग कश्यप को एक फोन कर लिया जाए, अनुराग कश्यप को फोन करके तलब कर लिया जाए, थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ कर ली जाए, जांच जारी है, ये बात कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब रेप जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाए तो कम से कम बुलाकर पूछताछ तो करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। बिल्कुल राकेश, आप बने रहे हमारे साथ में। दरअसल बता दें कि रेप का केस दर्ज कराने के बाद पायल घोष बार बार कह रही हैं कि अनुराग कश्यप को जेल में होना चाहिए, जबकि पीड़ित होने के बावजूद बार बार मुझे ही पुलिस थाने आना पड़ रहा है, कार्रवाई और इंसाफ के लिए बार बार मुझे गुहार लगानी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें पायल घोष RPI अध्यक्ष रामदास आठवले से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। आठवले ने मुंबई पुलिस को कार्रवाई के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। समझ में नहीं आ रहा है, जब 376 लगा हुआ है तो अभी तक एक्यूज जेल में क्यों नहीं है। वो कुल्लर में सुबह से रात तक कभी हॉस्पिटल में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी इधर कभी उधर क्वेश्चनिंग, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जो अक्यूज है वो आराम से घर पे बैठा हुआ है। और पता उनको शायद ये भी फील होगा कि मेरे साथ लोग हैं जो ये चीज वो
कुछ दिन भौंकेगी, कुछ दिन बोलेगी, कुछ भी होगा फिर कल हम दबा देंगे, तो चुपचाप वो आराम से बैठे हुए हैं। तो गिरफ्तार कब हो गई पुलिस को मालूम है, लेकिन जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, हमारी मांग है। अभी आप कितने दिनों का दे रहे हो आप लोग पुलिस को एक्शन लेने के लिए? व्हाट इज द अल्टीमेटम यू आर गिविंग टू ऑफिसर? अल्टीमेटम वी आर गिविंग द अल्टीमेटम विदिन 7 डे इफ द पुलिस विल अरेस्ट मिस्टर अनुराग कश्यप, अदरवाइज आरपीआई विल स्टार्ट आवर एजिटेशन इन ऑल ओवर मुंबई। तो देखा आपने, दरअसल ये उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं जब पायल घोष मिलने के लिए पहुंची थी। राकेश लगातार हमारे साथ में मौजूद है। राकेश, ये समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री तक मुंबई पुलिस को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 7 दिन का वक्त है, कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उसके बाद में फिर आगे का एक्शन लिया जाएगा। अब जबकि आज राज्यपाल से मिलने का वक्त है, ये कहा जाए कि भले कितनी कोशिश क्यों ना कर ले मुंबई पुलिस, लेकिन अब अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखने वाली बात है राज्यपाल से मुलाकात के बाद। नहीं नहीं बिल्कुल तौर पर है, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पायल घोष अपनी बातचीत कहेंगी, इस बात का भी जिक्र करेंगी कि किस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके वकील भी उनके साथ होंगे, तो जाहिर सी बात है कानूनी हिसाब से क्या अभी तक हो जाना चाहिए था, इस बात की जिक्र करेंगे। राज्यपाल से अपील होगी कि वो राज्य सरकार से बातचीत करें, जरूरत हो तो निर्देश जारी करें कि इस तरीके से कम लापरवाही ना बरती जाए। पुलिस को इस बात का निर्देश तो दिया जाना चाहिए, शिवसेना सरकार को लीड कर रही है, शिवसेना के लोग, शिवसेना के नेता इस बात का जिक्र करते हैं। पहले ये कहते थे कि एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए उसके बाद ठोस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, जांच जारी है, ये बात कहकर पुलिस के अधिकारी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। कम से कम मैं बार बार कहता हूं, देखिए यहां पर मंशा और नियत का सवाल है, अगर मंशा सही होती, अगर नियत साफ होती, तो कम से कम अनुराग कश्यप को एक बार थाने बुलाकर उनसे पूछताछ होती। अगर अभी तक पूछताछ नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है एक वक्त दिया जा रहा है कि अनुराग कश्यप कोई लीगल रेमेडी ले लें, आगे वो अपने बचाव के सारे इंतजाम कर लें। 376(1) जो धारा होती है नैना, उसमें आप पुलिस को अधिकार है कि वो सीधे गिरफ्तार कर ले, हालांकि अगर जरूरत समझती है तो पहले इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है। दरअसल इसी पॉइंट का फायदा उठाकर पुलिस ये छूट दे रही है कि अनुराग कश्यप कोई लीगल रेमेडी लेने का रास्ता अपना सकते हैं या फिर जितने समय तक इस मामले को टाला जा सके। बिल्कुल, और राकेश, पायल घोष ने पहले भी कहा है कि अगर उन्हें यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो वो सीधे आप कोर्ट का रुख करेंगे, और उन्होंने यहाँ तक भी धमकी दे दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, अगर अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वो भूख हड़ताल करेंगी। अब समझिए किस तरह से महाराष्ट्र सरकार या फिर मुंबई पुलिस का ये रुख है, दोहरा चेहरा नजर आता है। कंगना केस जब सामने आया था, कंगना रनौत के मामले में, तो ऐसा लग रहा था बीएमसी, मुंबई पुलिस, प्रदेश सरकार हाइपर एक्टिव थी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं दिया, आधे घंटे तक का वक्त नहीं दिया, इंतजार ये कहा जाए कोर्ट के आदेश तक का इंतजार नहीं किया गया, कोर्ट की सुनवाई तक का इंतजार नहीं किया, और अपनी मनमर्जी करती गई। लेकिन अगर बात यहां की जाए पायल घोष की, तो ऐसा लगता है कि मानो मुंबई पुलिस सो रही है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, देखिए वहां पर कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों, वहां तो कोर्ट ने यह आदेश दिया था नैना, आपको याद होगा कोरोना में लॉकडाउन के बाद कोर्ट का यह आदेश था कि 30 सितंबर तक कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए पूरे शहर में, अगर बहुत जरूरत आती है तो आप पहले कोर्ट आइए, आदेश लीजिए, उसके बाद आप तोड़फोड़ कर सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश की अनदेखी करती है बीएमसी, वहां पर नोटिस चिपकाती है, नोटिस चिपकाने के महज कुछ घंटों के अंदर वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। तो वहां पर तो कोर्ट ने भी यह सवाल पूछा था कि अगर बीएमसी इतनी सुपर एक्टिव रहती, अगर सरकारी तंत्र इतना सुपर एक्टिव रहता तो मुंबई की हालत और ज्यादा बेहतर होती। तो देखिए यहां पर वही मैं जो पहले जिक्र कर रहा था, मंशा का सवाल है, नियत का सवाल है, कंगना के मामले में दरअसल कंगना से बदला लेना था, बदलापूर्ण कार्रवाई करनी थी, जिसका कोर्ट ने भी जिक्र किया, तो वहां पर तुरंत जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, जो बीएमसी है, उनको एक्टिव कर दिया गया। लेकिन यहां पर जो अपने गैंग के लोग हैं या फिर सरकार के वफादार, एक तरीके से आप कह लीजिए जो गैंग है, उस गैंग के लोगों को बचाना है, उस गैंग के सिपह सालारों को समर्थन देना है, उनको इस बात के लिए स्पेस देना है कि वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढ लें, तो इसीलिए वहां पर इस मामले को टाला जा रहा है। यह कहा जा रहा है, जो पुलिस के अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई, यह कहा गया इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, यह बात कहकर पुलिस के अधिकारी पल्ला झाड़ ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे बुलाकर अभी तक पूछताछ हुई है, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मानो ऐसा लगता है कि जैसे मुंबई में इस समय पुलिस राज पूरी तरह से चल रहा है। हम बता दें कि अब से कुछ देर के बाद में पायल घोष राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचने वाली, इस बड़ी खबर पे तो हम बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का रवैया जो था, वो कंगना के केस में भी सामने आया, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज संजय राउत के वकील कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाले हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल संजय राउत को जमकर फटकार लगाई थी, कंगना को जिस तरह से संजय राउत गाली दी थी,
गाली वाले बयान पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और जिस समय कल सुनवाई हो रही थी उस दौरान म्यूजिशियन की क्लिप बाकायदा सुनाई गई, क्लिप चलाई गई। दरअसल लगातार संजय राउत का जो वकील था वो इस बात को लगातार नकार रहा था, घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद में जब ये क्लिप चलाई गई, दरअसल वो क्लिप न्यूज़स्टेशन की, क्योंकि न्यूज़स्टेशन के कैमरे पर ही संजय राउत ने कंगना को गाली दी थी और यही जब क्लिप चलाई गई तो अब उसके बाद में आज जवाब देना है। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने को लेकर भी बीएमसी को फटकार लगाई गई है। वही आज जिस तरह से एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, संजय राउत को फटकार कल पड़ी। अब आज संजय राउत के वकील कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाले हैं। राकेश, बिल्कुल देखिए, जब कल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आपको याद होगा कि दरअसल ये पूरा मामला तूल कहां से पकड़ा। पहले कंगना रनौत सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाती हैं, उसके बाद दरअसल उसी पर टिप्पणी मांगी गई थी संजय राउत से। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के ने उनसे सवाल किया था, उस दौरान कंगना के लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था संजय राउत ने। तब से हमने लगातार इस मुहिम को छेड़ा कि बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, बात देश की महिलाओं के सम्मान की है। इसीलिए हमने संजय राउत से कहा कि आप माफी मांग लीजिए। संजय राउत कहते हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, अगर कंगना रनौत माफी मांगती है तो हम दोबारा सोचेंगे। कोर्ट में जब यह मामला उठा, न्यूज़स्टेशन की इस क्लिपिंग को चलाया गया, तो उस दौरान जो संजय राउत के वकील हैं उनसे उन्होंने ये तर्क दिया, उल जुलूल ये तर्क दिया कि दरअसल जब संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो कंगना रनौत का नाम नहीं लिया। फिर ये भी तर्क दिया गया कि नॉटी, तो जज भी थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने ये कहा कि अगर जो है नॉटी, अगर जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, अगर उसका मतलब नॉटी होता है तो नॉटी का मतलब क्या, ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, इस क्लिपिंग को हम पूरा सुनेंगे, यानी जो सवाल है, जो जवाब है, आगे पीछे की पूरी बातचीत वो सुनेंगे। लेकिन ये बात हास्यास्पद थी और इस पर जज का तंज भी था। तो एक बार फिर से जज को वो पूरी क्लिपिंग सुनवाई जाएगी। फिर कंगना के वकील द्वारा ये भी कहा गया कि ये दरअसल बदलेपूर्ण कार्रवाई थी। ये पूरा मामला इसलिए भी कोर्ट में सुना जा रहा है कि कंगना के वकील ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। तो ये कहा गया कि दरअसल ये बदले की कार्रवाई है और सामना के दफ्तर में, शिवसेना के दफ्तर में इसका जश्न मना है। इसका जिक्र करते हुए तर्क ये दिया गया कि आपको याद होगा नैना, सामना की हेडलाइन थी उखाड़ दिया। अगर सामना ने ये बदलेपूर्ण कार्रवाई, सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, अगर बदलेपूर्ण कार्रवाई नहीं थी तो आखिरकार सामना में इस तरीके की हेडलाइन क्यों? यानी मंशा साफ नहीं थी, बदला लेना था। कंगना रनौत ने जो सवाल उठाए थे उनको शांत करना था, उनके जज्बे को शांत करना था, उनकी आवाज़ को बंद करना था, इसीलिए ये बदलेपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया। बिल्कुल राकेश, लेकिन ये कहा जाए कि आखिर कब तक भागेंगे संजय राउत और कब तक उल जुलूल जवाब देंगे, क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। लगातार इस बड़ी खबर पे बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। राकेश, फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आज हाई कोर्ट में संजय राउत के वकील को जवाब पेश करना है। न्यूज नेशन की वो क्लिप भी कल जब सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट में सुनाई गई, जिसमें संजय राउत ने कंगना रनौत को गालियां दी थी। आइए आपको सुनाते हैं संजय राउत का वो बयान जिसने उन्हें कोर्ट तक पहुंचा दिया। आपकी सरकार है क्या, कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो? तो सुना आपने, दरअसल यही वो बयान था जो मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आता है, जिस तरह से कंगना रनौत के खिलाफ बयान दिया संजय राउत ने। राकेश पांडे लगातार हमारे साथ में मौजूद है। राकेश, कल तो जवाब मांगा गया, आज जवाब पेश करने वाले हैं संजय राउत के वकील, या क्या लगता है किस तरह से अभी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर किस तरह के विकल्प होंगे संजय राउत के सामने अभी? नहीं, विकल्प क्या होंगे? आप उल जुलूल तर्क देकर कोर्ट की कार्रवाई को लंबा खींच सकते हैं, आप तमाम तर्क दे सकते हैं, लेकिन जज जो है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं ना, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस शब्द का मतलब नॉटी कहते हैं तो नॉटी का मतलब क्या होता है, ये परिभाषा बता दीजिए। फिर ये भी कहा गया कि कंगना रनौत के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो जज ने बोला कि ठीक है, बता दीजिए आपने किसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसका तर्क वो क्या देंगे? तो देखिए, कुछ बातों का कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, आप सिर्फ कुतर्क कर सकते हैं। तो संजय राउत के जो वकील हैं वो सिर्फ कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क करके आप कोर्ट की कार्रवाई को 2-4-5-10 दिन आगे पीछे खींच सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और जब जज इस
पूरे क्लिपिंग को सुनेंगे तो ये समझेंगे कि सवाल किस लिए पूछा गया था। सवाल में जिक्र कंगना का था, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि किसी और का जिक्र आप कर रहे थे या फिर कंगना के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो जज इस बात को बेहतर समझेंगे, इसीलिए लगातार कुतर्क देकर कुछ मामलों को आप खींच सकते हैं। और बात ये भी तो है, मंशा की बातचीत सामना में हेडलाइन ये क्यों थी कि उखाड़ दिया, तो इसका तर्क वो क्या देंगे। तो ये सब बातें कुतर्क हैं और कोर्ट की कार्रवाई में कुतर्क से आप कुछ केस को 2-4-5-10 दिन आगे पीछे खींच सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब जजमेंट की बातचीत आएगी, जब फैसले की बातचीत आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ठोस तर्क संजय राउत के वकीलों के पास बचेगा। नैना, बिल्कुल राकेश, लेकिन ये कहा जाए कि इस पूरे वाक्य से, इस पूरे मामले से संजय राउत साथ ही साथ शिवसेना को भी एक सबक लेना होगा, क्योंकि संजय राउत के इस बयान और उसके बाद में जो पूरे घटनाक्रम बढ़े उसने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से शिवसेना संजय राउत की थुतु जरूर कराई, लेकिन शिवसेना ने तो संजय राउत को एक तरह से प्रमोट कर दिया पार्टी में ही। नहीं नहीं, सबक लेना होता तब तो उसी दिन संजय राउत शायद सबक ले लिए होते। हमने लगातार ये कहा, और देखिए माफी मांग लेने से या अपने शब्दों पर आप खेद जता देते हैं तो कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। हमने लगातार ये संजय राउत से अपील की कि अगर आप कंगना रनौत के लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रियलाइज होना चाहिए था। अगले दिन अगर संजय राउत आकर ये कह देते कि ठीक है शब्द मेरे लिए गलत थे, कंगना पर ठीक है वो वार जारी रखते, लेकिन अपने शब्द पर खेद जता दिए होते तो शायद ये बात वहां पर खत्म हो गई होती। फिर उसके बाद आप देखिए सरकार कौन चला रहा है, लीड कौन कर रहा है, उद्धव ठाकरे की क्या ये मौन सहमति नहीं मानी जाए। सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ, किस तरीके से बीएमसी को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया, किस तरीके से दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी गई, हाईकोर्ट ने इस बात पर रोक लगा ली थी। पायल घोष का मामला आ जाता है, संजय राउत कह देते हैं कि ये मामूली सी बातचीत है। बॉलीवुड में ड्रग्स का इतना बड़ा सिंडिकेट खुलकर सामने आ रहा है, लगातार रोज नए खुलासे, बड़े बड़े नाम गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो उस पर संजय राउत ये कह देते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, यानी अगर कोई इस तरीके की बुराई है तो उस पर जांच की ही ना जाए। आप ये अजीब सा तर्क देते हैं, तो देखिए ये बात बदनामी या फिर सबक लेने की नहीं है। अगर सबक लेने की मंशा होती या फिर शिवसेना इस एंगल पर सोच रही होती तो मुझे लगता है कि शायद संजय राउत को उस समय चेतावनी दे दी गई होती मातोश्री बुलाकर कि आप इस तरीके से एक महिला के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पायल घोष ने आरोप लगाए उसे आप मामूली बात नहीं कह सकते। इस तरीके के शब्दों पर निश्चित तौर पर एतराज उद्धव ठाकरे को जताना चाहिए था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, देखिए जो पार्टियां होती राजनीतिक पार्टियां वो एक कैलकुलेशन के जरिए चलती हैं, उन्हें पता है कि उनके उनके गैंग के कौन से लोग हैं, उनको किस तरीके से बचाना है, उनका किस तरीके से समर्थन करना है, इन सारी बातों को वो समझती हैं, और इसीलिए जो उनके अपने लोग हैं उन्हें समर्थन दिया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है, और जो आपके खिलाफत में खड़े होते हैं उनके लिए सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर उन्हें डराया जा रहा है और कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की एक तरीके से इनडायरेक्टली बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और ये वो भी बखूबी जानते हैं कि सबसे ऊपर कोर्ट भी है, न्याय भी है, और अब वहां तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। आज संजय राउत के वकील को कोर्ट में जवाब पेश करना है। बड़ी खबरों पे लगातार बने हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।